असल जंग पंजाब में है, आप संग ने ये जंग लड़ी है। पंजाब का ऐसा वजीर आला होगा जो करप्शन से पाक और नौजवान होगा। चाहता हूँ तरीके इंसाफ एक इदारा बने। हमें टिकट देने के अमल को बेहतर बनाना होगा। कई लोगों को टिकट नहीं दिए और वो आजाद जीत गए। इमरान खान का पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। की गिनती रुकवाने से वाजे हो गया, सारी दाल ही काली है। इमरान खान ने अपनी बोगस कामयाबी की असलियत खुद ही बता दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार ने एन 131 में वोटों की दोबारा गिनती रोक दी। हाई कोर्ट का हलके में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला मुअत्तल। एक बार नतीजा बन गया वही हतमी है। जस्टिस इजाजुल अहसन, तहरीक इंसाफ के वकला ने रिटर्निंग ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया। वोटों की गिनती रुकवाने से वाजे हो गया, सारी दाल ही काली है। इमरान खान ने अपनी बोगस कामयाबी की असलियत खुद ही बता दी। इमरान झुल्लू वजीर आजम और उनकी हुकूमत धांधली की पैदावार होगी। साद रफीक का ट्वीट, सुप्रीम कोर्ट गिनती रुकने का हुक्म इलेक्शन एक्ट से मुतसादिम है। एन 131 में मैंडेट चोरी हुआ, हमें कानूनी हक से महरूम कर दिया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। हक और सच की फतह हुई, ख्वाजा साद रफीक ने खुद 5 साल स्टे ऑर्डर पर गुजार दिए। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएं। रिटर्निंग ऑफिसर ने गिनती का अमल 10 अगस्त तक रोका है। शुएब सदी की गिफ्त की गुफ्तगु, 3 बार गिनती के बाद भी साद रफीक नाकाम हुए, अब नतीजा कबूल कर लें। सुप्रीम कोर्ट का दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल करना खुशाइंद है। फवाद चौधरी का ट्वीट। आजा आसिफ का भी असेंबली में जाने का रास्ता साफ। हाई कोर्ट ने उस्मान डार की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मामून रशीद ने तरीके इंसाफ के उस्मान डार की दरखास्त पर समाप्त की। जीत की खुशी में हवाई फायरिंग और मुबैना पुलिस पर तशद्दुद का मामला। पीटीआई के 9 मुंतखब एमपीए नदीम बारा की 8 साथियों समेत जमानत मंजूर। केस की समाअत जज इकबाल वड़ाइश ने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत नंबर 3 में की। मुलजिमान की 50,000 मचलकों के इवज जमानत मंजूर की गई। जमानत हासिल करने वालों में मलिक जहांगीर बारा, जुल्फिकार, बशारत, मंजूर, तैयब और अली इमरान भी शामिल। 56 कंपनियों में मुबैना करप्शन का मामला। नैब ने अहद चीमा की फैमिली की जायदादों का रिकॉर्ड FBR से तलब कर लिया। अहद चीमा की बीवी साइमा अहद, बेटे ईसा अहद और मुस्तफा अहद का रिकॉर्ड मुरतब किया जाने लगा। अहद चीमा के भाई, बहन और वालदा के रिकॉर्ड की भी छानबीन। FBR आइंदा हफ्ते रिकॉर्ड नैब को फराहम करेगा। नेहाय पुलरवान, 5 मकतूलेन की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। खून की हेहोली खेलने वालों की तफसीलात लाहौर न्यूज पर। मरकजी मुलजिमान इफ्तखार अली और जहांगीर की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड और मुकदमात की तफसीलात मौसूल। मुलजिम इफ्तखार अहमद रिकॉर्ड याफ्ता, 2015 में नाजायज असले का मुकदमा भी दर्ज हुआ। मुलजिम बल्दियाती इंतखाबात में वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार था। पुलिस का 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करने का दावा। DIG ऑपरेशंस का जाए वकुआ का दौरा। SP कैंट की ब्रीफिंग। अवाम के जानो माल का तहफ्फुज पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। अफसरान और अहलकारों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाएंगे। IG पंजाब, पुलिस अफसरान अवामी खिदमत के जज्बे से फराइज अंजाम दें। बर वक्त कार्रवाई से दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है। वजीर दाखला शौकत जावेद, मुलाकात में गुफ्तगू। ये
यौम आजादी की तकरीबात की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजाम किए जाए। निगरान वजीर आला हसन अस्करी से सूबाई वजीर दाखिला शौकत जावेद की मुलाकात। निगरान सूबाई वजीर सरदार तनवीर इलियास की चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात। जश्न आजादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियों पर तबादला ख्याल। शजरकारी मुहिम को जश्न आजादी की तकरीब का हिस्सा बनाने पर मुशावरत। फूड अथॉरिटी की शहर भर में कार्रवाइयां। वोगीवाल में मारूफ कोफ्ता फैक्ट्री सील। कोफ्तों की तैयारी में गंदे बर्तन और इस्तेमाल शुदा बदबूदार तेल इस्तेमाल किया जा रहा था। 4000 तैयार नाकिस कोफ्ते और खाम माल बरामद। खाड़क नाला पर कैचअप प्रोडक्शन यूनिट सील। 900 किलो तैयार कैचअप, 360 किलो मायनीज, भारी मिकदार में खाम माल बरामद। चुंगी अमरसदू में दाता चिकन सील सेंटर को नाकिस सफाई पर सरबमहर कर दिया गया। PIA का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। दौरान लैंडिंग तैयारे के इंजन से परिंदा टकरा गया। PIA की हज परवाज सऊदी अरब से लाहौर एयरपोर्ट आई थी। DSP ट्रैफिक शेखुपुरा और लीगी MNA के गार्ड्स का रिक्शा ड्राइवर पर मुबैना तशद्दुद। अवामी रिक्शा यूनियन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने शिमला पहाड़ी के इतराफ में एहतजाज रिक्शे खड़े कर दिए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। इमरजेंसी कॉल पर पुलिस का फौरी एक्शन। नौजवान को खुदकुशी से बचा लिया। करीम ब्लॉक में घरेलू झगड़े पर 15 साल अब्दुल रहमान की छत से कूदकर खुदकुशी की कोशिश। डॉल्फिन फोर्स ने कार्रवाई करते हुए लड़के को पकड़ लिया। जश्न आजादी की खुशियां, रंग रंग तकरीबात और 13 और 14 अगस्त की रात आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। कमिश्नर की जेर सदारत यौम आजादी की तैयारियों से मुतल्लिक इजलास। शहर में बड़े पैमाने पर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात के इनाकात का फैसला। रेलवे ने यौम पाकिस्तान का अहम इवेंट फरामोश कर दिया। 14 अगस्त पर आजादी ट्रेन नहीं चलाई जाएगी, सिर्फ रेलवे स्टेशन को ही सजाया जाएगा। जान मेरी जमीन फूल मेरा वतन। यौम आजादी की खुशियां, हर सू सब्ज परचमों की बहार। मिली नगमों की गूंज, बाजारों में गहमा गहमी। कौमी परचम झंडियों और स्टिकर्स की खरीदो फरोख में इजाफा। जनपद रोड पर लगे स्टॉल्स पर बच्चों और बड़ों का रश। ईदे कुर्बान की आमद, एक से बढ़कर एक सोहना जानवर मंडी में। मोटे ताजे और तगड़े जानवर गाहकों के मुंतजर। लोग सुनते इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवर खरीदने लगे। शाही कला की तारीखी हैसियत बहाल करने का मंसूबा। वॉल्ट सिटी अथॉरिटी के तहत शाही कला के सब्जाजार और सहन में मुगलिया दौर के रवायती पौधे और घास लगाने का अमल जारी। और मिसाली दर्सगाह में दाखला, तलबा खुशी से निहाल। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में दाखिलों की पहली मेरिट लिस्ट आवेजा। तलबा का तालीमी मैदान में आला कारकर्दगी दिखाने का असर।